रोलिंग एंड एक्शन। Most welcome to my very first daily vlogging. Yes, I am starting my daily vlogging from today onwards. So, आज का दिन कुछ इस तरीके से start करेंगे। Early morning मुझे इसको hospital लेके जा रहा है। उसके बाद मुझे 5 बजे तक मालवीय नगर पहुंचना है because मेरा एक audition है। आ जाओ चलो। बेटा hospital के नाम से तो बिल्कुल भी नहीं उठती है ना। जा रही हूँ मैं नीचे। अकॉर्डिंग टू माई डाइट मैं अपना ब्रेकफास्ट में बॉयल दाल बना के पी चुकी हूँ और लंच में मैं रेडी कर रही हूँ डेली। मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑडिशन के लिए और मोमो को लेके जाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 3 और मैंने अपना लंच रेडी कर रेडी बन गई है। जल्दी से मोमो को लेके जाती हूँ और फिर आने के बाद जाती हूँ वहाँ पर। चले मोमो चलो आओ कम चलो चले आओ। ड्रिपिंग रेडी ड्रिपिंग मोमो रेडी है डॉक्टर के जाने के लिए। रेडी यहाँ पे ना सुई लगेगी। सुई यहाँ पे लगती है ना सुई। अच्छा चला गया था। चल नहा धो के आई हूँ। ये क्या थूक गिरा रही है अपना। तेरी तो आगे बिठा दूंगी। चल आ गया आ गया। चलो कम आगे आओ। तेरी तो आ गया। चल लेके जा रही हूँ सेक्टर 22 के हॉस्पिटल में। मतलब वो 12 और सेक्टर 22 के आसपास पड़ता है क्योंकि वो हॉस्पिटल मतलब आई गेस सेमी गवर्नमेंट है या किसी पर्सनल बंदे ने चला रखा है। बट मैंने ना डॉगीज के जितने भी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स हैं नोएडा में सब छान रखे हैं क्योंकि मैं कभी कोई स्ट्रीट को लग जाती है या कोई तबीयत खराब हो जाती है जब लेके जाना पड़ता है ना, तो मैंने ऑलमोस्ट नोएडा के डॉक्टर्स को छान रखा। यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट ये लगा था कि ये ना स्ट्रीट जो इंडीज होते हैं ना उनकी भी केयर बहुत अच्छे से करते हैं और ऐसा नहीं करते कि यार नहीं कोई अगर लेके आए तो इंडीज को गली के कुत्ते को अच्छे से नहीं देखेंगे या फिर अगर कोई ब्रीड लेके आया तो ज्यादा पैसे मांगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। मोमो को अभी लंग्स इन्फेक्शन हो गया था लास्ट मंथ और तब भी उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया था। फ्रैक्चर हो गया था इनफैक्ट चंडीगढ़ में जब उसके 14-15 कुत्तों ने ना उसके ऊपर अटैक कर दिया था तब उसको बहुत बुरा फ्रैक्चर हो गया था। और चंडीगढ़ में ना एक हॉस्पिटल है जहाँ मैं लेके गई थी ऑल एनिमल प्लैनेट करके, वहां पर मुझसे 9-10 हज़ार रुपए ले लिए थे एक दिन के और कुछ नहीं करा था। इनफैक्ट 2 घंटे तक तो उसको देखा भी नहीं था। उनको लगा था कि कोई गली के कुत्ता होगा उसको ये लोग लेके आ गए हैं शायद एक्सीडेंट वगैरह। इनफैक्ट उन्होंने ये बात अग्री करी थी कि हमें लगा था कि कोई स्ट्रीट या कोई इंडी है जिसको आप लेके आए हो गली में एक्सीडेंट हो गया इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी थी। फिर भी उस टाइम मेरी मजबूरी ये थी कि मोमो को बहुत डॉगीज ने काट लिया था फ्रैक्चर भी हो गया था और चंडीगढ़ में मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था तो मैं खरड़ में लेके गई थी उसको हॉस्पिटल में। तो जो मुझे उस टाइम पे लगा तो मैंने सोचा कि यार अभी ट्रीटमेंट वहीं पे करवा देती हूँ। तो उसी दिन के लिए उन्होंने सिर्फ बीटाडीन वगैरह लगाने के लिए और इधर का विटामिन कैप्सूल्स और बहुत सारे मतलब पेडिग्री भी नहीं बहुत सारे फूड दे दिए थे डॉग फूड और सिर्फ उसी चीज के लिए उन्होंने 9-10 हज़ार रुपए ले लिए थे मुझसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसा बनाते हैं और डॉगीज को कभी भी केयर नहीं करेंगे अच्छे से। तो मैं ये वाले हॉस्पिटल में इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं और इन लोगों को पैसों का लालच नहीं है। छुप क्यों रही है? चला जा आ जा बुलाओ नहीं क्यों कभी। चलो आ जा देखिए नौटंकी। चल तो चलो चलो चले चलो आओ। ये डॉक्टर के नाम पे भागती है। चल चल रहे चलो 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 क्या है कांप क्यों रही है। चल फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज चुके हैं। मुझे लग रहा था कि मोमो को दिखा के मैं 30 मिनट या 40 मिनट्स में फ्री हो जाऊंगी बट मुझे 1.25 घंटा लग गया और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। 5 बजे मुझे मालवीय नगर पहुँचना है। 4:08 हो रहे हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं लेट पहुँची तो ऐसा ना हो कि ऑडिशन बंद हो जाए या फिर एंट्री ना हो। तो वैसे तो मैं पूरी रेडी हूँ बस
मोमो को ड्रॉप करना है और फटाफट वहां से निकलना है। जल्दी करते हैं, चलो चलो मोमो चले। तू नहीं जा रही, मैं अकेली जाऊंगी, समझी? घूम ली तो जितना घूमना था, इंजेक्शन लगे ऐसे सारे, इतने सारे इंजेक्शन लगे है और इतना हिल रही थी ना ये बेटा। अब तो बीमार पड़ी ना, फिटेगी। अब नहीं लेके आना डॉक्टर के पैसे से, डॉक्टर ने बोला अभी फिट हो चुकी। चैन नहीं है ना तुझे भी? अभी इंजेक्शन लगवा के आई, फिर भी कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अब मुंह निकाल लिया बाहर, इडियट। तो अभी टाइम हो गया शाम के 4:30 और मुझे नहीं लगता कि 5:30 बजे तक मैं मालवीय नगर पहुंच पाऊंगी। तो मैंने अपना ऑडिशन वाला प्लान थोड़ा ड्रॉप कर दिया है, मैं कहीं भी जा रही हूँ। और साथ में कुछ मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, जैसे कि मोमो का शैम्पू, मोमो का कंडीशनर, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मोमो को साथ ही साथ निहा दिया जाए। और एक बहुत बड़ा मेन टास्क रहेगा, क्योंकि वो कितने नखरे करती है ना, अभी ऑलरेडी उसको पता चल गया था कि उसका सामान आ गया, तो मैं उसको पकड़ रही थी तो उसने इतने सारे दांत मार दिए मुझे। दिखाती हूँ उसको। मोमो चले नहाए नहीं करने, चले नहाए नहाए के नाम से इतना डरती है नहीं। अब मुझे ये पक्का हाथ नहीं लगा देगी। चलो बेटा आजा, चलो। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। मेरे माँ का बेटा नहीं, मम्मा का बेटा नहीं। अब मोमो की नहाई नहीं करवाएंगे, मोमो की नहाई नहीं होगी। अरे नहीं करवा रही, घूमी चलेगी, नहीं करवा रही। और यहाँ में मोमो को झूठा घुमाने का लालच दे के अंदर लेके आ गई हूँ, अभी भी निकलना चाह रही है। मम्मा आपको ठंडे पानी से नहीं मिला रही, देखो आपके लिए गीजर ऑन किया मम्मा ने, फाइनली एक टास्क कंप्लीट हो गया। मोमो को मैंने निला दिया है के जा, इधर अंदर नहीं जाना मोमो, अंदर नहीं जाना, इधर आओ। यार ये सारा फैलावा करके रखती है, उससे पूछ लेगी, तेरे को टाल दिया है ना पूछने के लिए। अपने आप को शरीर को पूरे जमीन में, शिट, बाहर रहो, आप धूप में रहो, धूप में रहो। अभी कहेगी तो धूप लेके आएगी तीनों एक साथ, आप बाहर सूख जाओ, इतने अपने आप को पोछ लो, जाओ। दिखाती है इधर से क्या करेगी। कहाँ गई, कहाँ है ये? तो ये रही तो सुसु कर रही है, टाल रखा है तेरी तो। इसको थोड़ा सा बॉइल करके मोमो को दे देती हूँ, ताकि इसको थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी, पी लो, ठंड नहीं लगेगी एक्चुअली में। जो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और मैं आ चुकी हूँ सिमरन के घर पे, और सिमरन का इंट्रोडक्शन मैं बहुत ही जल्द दूंगी। फिलहाल ये मुझे मछली बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। 6-7 महीने पहले मैंने बहुत जोश और मैं आके सोचा था एक दिन मैं अपना वेट लूज कर दूंगी, तो मैंने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी कि मेरे पूरी बॉडी में पेन होने लगा। अर्बन क्लैब के मसाज के बाद भी कुछ एरियाज है जहाँ से पेन नहीं रिलीफ हुआ, तो वही कोशिश करिए कपिंग करके सिमरन मेरा सारा पेन रिलीफ करने की, क्योंकि मैं इतने टाइम से सही से सो नहीं पा रही। ये कैसे निकल गई बॉडी के पार्ट? सांप बना दो सिमरन, मोर बना दो। सिमरन कैसे करवाती हो? रात के 10 बजे डिनर करने के बाद हम लोग टाटा कर चुके थे नेहरू स्टेडियम को, और 11:30 बजे हमने प्रस्थान किया था नोएडा की तरफ, जी हाँ, अपने घर पे। और कपिंग करवाने के बाद मुझे बहुत पेन था, तो मैं आते ही सो गई थी। हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, और अगर आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट में बता देना की मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना। प्लस
कोविड फिर से आ रहा है यार, मास्क लगा लेना, घर से बाहर मत निकलना, ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।